एक्सचेंज जो है शुरू हो जाएगा बैंकों में। उसमें एक बयान आपका आया था सर नोटबंदी को लेकर, जब 2000 के नोट जो है छापने का फैसला किया गया था, और प्रिय प्रधानमंत्री जितेंद्र जी सचिव थे, और उसमें जो है ऐसा बोला जाता है कि प्रधानमंत्री 2000 नोट छापने के पक्ष में नहीं थे, और उसके बारे में जरा आप जरा प्रकाश डाल जी। अच्छा प्रश्न है आपका। जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के पद पर कार्य कर रहा था, तो उस समय डिमोनेटाइजेशन का निर्णय हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन के निर्णय में पुराने नोट एक तिथि से, निर्धारित तिथि से समाप्त कर दिए जाते हैं, और उन नोटों को बदलने की व्यवस्था होती है, और उसके लिए भी एक समय सीमा दी जाती है कि एक निर्धारित समय सीमा में आप जाकर बैंक में नोट बदल सकते हैं। तो जो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट समाप्त किए जा रहे थे और उनको बदलने की व्यवस्था दी जा रही थी, उस समय यह जाहिर था कि हमको 500 और 1000 के नए नोट लाने होंगे और नए नोटों की व्यवस्था, नए नोटों की व्यवस्था हमको प्रिंटिंग के द्वारा करना था। प्रिंटिंग का कार्य पूरी पूरी जिम्मेदारी में रिजर्व बैंक का होता है। तो यह देखा गया कि जिस अवधि में पुराने नोट वापस लाए जाएंगे और जिस संख्या में नए नोट दिए जाएंगे, तो उतना प्रिंट करने की क्षमता नहीं थी। तो विकल्प क्या था? विकल्प यह था कि यदि हम 2000 रुपए के नोट ला देंगे, तो जहां 500 रुपए के चार नोट छापने होंगे, वहां 2000 रुपए का एक नोट छापना होगा। इसी प्रकार जहां 1000 रुपए बंद किया जा रहा था, तो 2000 रुपए में उसकी वैल्यू अपने आप दुगनी हो जाती है। तो हम लोग एक पूरी टोली थी जो कार्य कर रही थी, उसका प्रस्ताव था कि यदि इसी अवधि में हमको करना है यह कार्य बदलाव का, तो 2000 रुपए का नोट हमको छापना होगा। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है, क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता, सुविधा आसान हो जाएगी। इसलिए वह इस मत के नहीं थे, लेकिन उनके समक्ष जब करेंसी की कंपनियां, जो नोट छापने की कंपनी है हमारे यहां प्रिंटिंग प्रेस, उनकी क्षमता बताई गई, उनके बारे में बताया गया कि दो शिफ्ट तीन शिफ्ट में भी करें तो कितना कर सकते हैं, और वह निश्चित इस मत के नहीं थे कि हम नोटों को बाहर छपाई करवाकर यहां ले, तो विकल्प यही रह गया था कि हमको एक सीमित अवधि में 2000 रुपए के नोट छापने होंगे। इसलिए यह सच है कि प्रधानमंत्री जी सिद्धांतः प्रारंभ से ही इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक व्यवहारिकता के लिए जब उन्होंने समझा कि यदि एक निर्धारित अवधि में डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की जानी है, तो वह एक जो होता है रिलक्टेंटली उन्होंने इसकी स्वीकृति दी, लेकिन उनके मन में कभी भी यह संदेह नहीं था
कि इस 2000 रुपए को किसी उचित समय पर जब हमारी क्षमता हो जाएगी तो हम इसको समाप्त करेंगे। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने 2018 के बाद 2000 रुपए के नोट नहीं छप रहे थे। दूसरी कदम उन्होंने उठाया कि जो नोट बैंकों में रिजर्व बैंक में आ रहे थे, क्योंकि बैंक में नोट रहते हैं, बैंक के बाद वो रिजर्व बैंक पहुंचते हैं और जो खराब हो जाते हैं नोट, एक समय सीमा होती है उसके बाद नोट का भी अपना स्वाइल्ड नोट कहलाता है, खराब हो जाते हैं तो वो वापस रिजर्व बैंक चले जाते हैं। तो जो नोट वापस आ रहे थे वह नए सिरे से रिजर्व बैंक ने वापस सर्कुलेशन में नहीं डाला। एटीएम में 2000 रुपए के आपने अनुभव किया होगा कि आप एटीएम में 500 के नोट 100 के नोट मिल रहे थे, 2000 रुपए के नोट फिर एटीएम से निकलने बंद हो गए। उसका भी यही कारण था कि सर्कुलेशन से विड्रॉ किया था। अब एकमात्र जो सीमित धनराशि 2000 रुपए के नोट की थी उसको रिजर्व बैंक ने, जो अधिकृत है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 30 सितंबर के बाद इन नोटों का जो लेन देन में स्वीकृति नहीं होगी। तो ये एक प्रकार से आप समझें कि पृष्ठभूमि थी, लेकिन एक निश्चित मत जो हमेशा झलका उनके मस्तिष्क से, उनके विचारों से, उनकी मानसिक उसमें, कि वह कदापि 2000 रुपए के नोट को गरीबों का नोट नहीं समझते थे। वो ये जानते थे कि 2000 रुपए का ट्रांजैक्शनल वैल्यू ना होकर के होल्डिंग वैल्यू है, इसलिए उनका यह मत था कि अगर किसी को 2000 रुपए के नोट रखने हैं तो बैंक में जाए, बैंक में धनराशि जमा करे। नॉन बैंकिंग सिस्टम घरों में होल्ड करें लोग, और जिसको फिर आप कहेंगे काला धन है, उसके पक्ष में वो नहीं थे। इसलिए मैं तो, अब देखिए, मैं आम जनता का इस समय स्वरूप है मेरा, कोई मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं अधिकृत बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि वह जानते थे कि आम जनता के लिए 2000 रुपए का नोट नहीं है और कहीं न कहीं ये काले धन को बढ़ावा देता है, और अगर काले धन को बढ़ावा मिलेगा तो उसके लिए तो उनकी लड़ाई हमेशा जारी रहती है। काले धन को किसी भी परिस्थिति में वह अर्थव्यवस्था का अंग नहीं समझते, वह एक तरीके से आप कर्ज, वो प्रायः कहा करते थे कि ये अभिशाप है हमारे समाज में, ये अभिशाप है कि काला धन इस तरह से बढ़ता है।